हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं ममता और आप देख रहे हैं ममता इन्फॉर्मेशन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूं ब्लीच। हम लोग पार्लर में जाते हैं और पार्लर में जाके ब्लीच कराते हैं, ब्लीच वो लोग करते हैं। तो हम लोग आज घर पे सीखेंगे कि घर पे हम लोग कैसे ब्लीच कर सकते हैं। बहुत ही आसान है घर पे ब्लीच करना। और ब्लीच करने से पहले क्या करना चाहिए, ब्लीच करने के बाद क्या क्या करना चाहिए, वो आज मैं आपसे बताऊंगी। तो मैंने लिया है ये फेम का ब्लीच, फेम का गोल्ड ब्लीच है ये। इसमें लिखा है नो एडेड अमोनिया, यानी कि इसमें अमोनिया ऐड नहीं है। तो ये हमारे स्किन के लिए अगेन अच्छा होता है। तो ब्लीच कराते हैं, बहुत ही कॉस्टली होते हैं, महंगा होता है कराना। तो हम लोग घर पे आसानी से कर सकते हैं, बस थोड़ी सी सावधानी हमें बरतनी चाहिए ब्लीच करने से पहले और ब्लीच करने के बाद। ब्लीच का टाइम होना सही होना चाहिए कि हमको ब्लीच कब करनी चाहिए, क्या करना चाहिए ब्लीच करने से पहले और क्या करना चाहिए ब्लीच करने के बाद, और ब्लीच करने के टाइम हमें क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, वो आज मैं बताऊँगी। तो मैंने ये ब्लीच का फेम का ब्लीच लिया है और ये कुछ है 65 रुपीज का है ये। और कभी भी अगर आप ब्लीच या कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो आप उसकी एक्सपायरी डेट देख लीजिए लिया करें, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी केमिस्ट या कहीं पर लेते हैं तो लोग को ध्यान में नहीं रहता। तो आप कोई भी चीज़ अपनी स्किन के लिए लेते हैं, अपने चेहरे पे लगाने के लिए कोई भी चीज़ लेते हैं, तो आप उसको एक बार ज़रूर आप इतना से ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि कहीं वो एक्सपायर तो नहीं है। क्योंकि जब भी हम अपनी स्किन से कोई, अपने चेहरे से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते, तो आप जरूर एक बार जरूर चेक कर लिया करें। तो इसका एक्सपायरी ये 2020 में बना था और 2022 इसका एक्सपायरिंग डेट है और 65 रुपीज का है ये। और इसका वेट है 24 ग्राम का है ये। और गोल्ड ब्लीच है ये, इसमें अमोनिया नहीं होता तो हमारी स्किन के लिए अच्छा होता है। और कभी भी कोई भी चीज़ आप अगर ब्लीच लेते हैं तो पहले आप जो भी हो उसके अंदर की ऐसे कुछ उन्होंने दिया रहता है, इसको आपको जरूर पढ़ लेना चाहिए। बिना पढ़े आप कोई भी चीज़ यूज ना करा करें। और हमारे चेहरे के लिए आप इतना जरूर आप कोई भी चीज़ बिना पढ़े आप यूज मत किया करें। हमारी स्किन जो होती है, हमारे चेहरे की स्किन होती नाजुक होती है, बहुत ही बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाती है। तो अगर चेहरे के लिए कोई भी चीज़ लेते हैं तो उसको बहुत ही सावधानी से लेनी चाहिए और उसकी जो भी चीज़ इसमें दी रहती है इसको ज़रूर आपको पढ़ना चाहिए। बिना पढ़े आप कोई भी चीज़ चेहरे पे अपने मत लगाया करें। तो इसको ज़रूर आप पढ़ लिया करें। तो इन्होंने इसमें जो भी मेंशन किया है आप पढ़ लीजिएगा, और उसको कितने टाइम तक रखना है, कैसे लगाना है, कैसे बनाना है, सारा चीज़ इन्होंने इसमें बताया है। तो आप इसको ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं कि इसकी ब्लीच करने से पहले हमें क्या करना चाहिए। ब्लीच करने से पहले हमें अपने चेहरे को साफ कर लेना चाहिए फेस वाश से। साफ करने के बाद हमें चेहरे पे पानी नहीं लगा रहना चाहिए, अच्छे से साफ बाद ब्लीच लगाइए। ब्लीच लगाने से पहले आप इसको पढ़ लीजिए और जिस तरह मैं आगे की वीडियो में बताऊंगी कि कैसे इसको लगाना है, कितना इसकी क्वांटिटी रखनी है, एक्टिवेटर की कितनी क्वांटिटी रखनी है और उसकी कितनी क्वांटिटी रहती है, तो आप पूरा वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं वीडियो में सारा आगे बताऊंगी। तो मैं अभी ये बताती हूँ कि ब्लीच लगाने से पहले आपको पहले फेस वॉश कर लेना चाहिए, उसके बाद सूखा के आप ब्लीच को लगाइएगा। लगाने के बाद ब्लीच को आपको 10 से 15 मिनट रखना है आपकी जैसी स्किन। अगर आपकी स्किन थोड़ी सी सांवली है तो आपको 10 मिनट तक रखना है। थोड़ी सी आपकी स्किन में थोड़ा सा ब्राइट है, मैं काले गोरे की बात नहीं कर रही हूँ, अगर आपकी स्किन थोड़ी सी ब्राइट है तो आपको 15 मिनट तक रखना चाहिए। इसमें ये सिलेक्शन जितना टाइम दिया है उतना ही टाइम अपनी स्किन पर रखिएगा, उससे ज़्यादा अपनी स्किन पर मत रखिएगा प्लीज़। जितना इसमें दिया है बस उतने ही टाइम तक रखिएगा। और ब्लीच लगाने से पहले आप एक बार पैच टेस्ट जरूर करिएगा। बिना पैच टेस्ट करे ब्लीच आप प्लीज़ अप्लाई मत करिएगा। तो आप पैच टेस्ट जरूर कर लीजिएगा, पैच टेस्ट 10 से 12 घंटा पहले ही करिएगा, तभी 10 से 12 घंटे बाद आपको रिएक्शन पता चलेगा कि हाँ ये ब्लीच हमारे पर सूट कर रही है कि नहीं। अगर आपको बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, आपको बर्दाश्त नहीं हो रही, तो आपको तुरंत हटा देना चाहिए। अगर आपको थोड़ी बहुत इचिंग नॉर्मल है, इसमें थोड़ी बहुत इचिंग होती है, थोड़ी बहुत सी खुजली होती है, थोड़ी सी इचिंग होती है, तो वो नॉर्मल है, उससे आप मत घबराइएगा। लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा हो रही है, आपको बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो आपको तुरंत उसको निकाल देना चाहिए। तुरंत निकालने के बाद आपको बर्फ या आइस क्यूब जो भी हो आपके पास अवेलेबल हो, ठंडा पानी हो, बर्फ का पानी, तुरंत अपने चेहरे पर उसको मसाज करने चाहिए आइस क्यूब से, बर्फ के पानी से, ठंडे पानी से उसको अपने चेहरे को धुल लीजिएगा।
तो प्लीज आप पेस्ट जरूर कर, पेस्ट आप कान के पीछे यहाँ पे लगा के करिएगा, या तो आप हाथ पे भी लगा सकते हैं, लेकिन बेस्ट रहेगा कि आप कान के पीछे इस तरह से थोड़ा सा लगा के ऐसे छोड़ दीजिएगा। छोड़ने के बाद 10 से 15 मिनट तक उसको रहने दीजिएगा। 10 से 15 मिनट के बाद आप उसको धुल लीजिएगा। धुलने के बाद आप 12 घंटे बाद आपको पता चलेगा कि हाँ मेरे पे कोई रिएक्शन नहीं किया है, मेरे को सूट कर रही है, कोई मुझे इचिंग नहीं हुई, कोई मुझे जलन नहीं हुई, कोई मुझे लेकिन लाल हो जाता है चेहरा, वैसा लाल नहीं हुआ, कोई भी पिंपल्स दाने निकलने लगते हैं, छोटे छोटे रिएक्शन होते हैं, तो कुछ भी आपको इस तरह से कुछ भी ना लगे कि आपके दाने नहीं निकल रहे, आपकी स्किन लाल नहीं हुई है, तो गोल्डन ब्राउन थोड़ी सी हो जाती है अगर इस तरह है तो ठीक है, लेकिन अगर लाल होती है, इचिंग होती है, जलन होती है, खुजली होती है, अचानक पिंपल्स आ जाते हैं, छोटे छोटे दाने आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको वो ब्लीच या कोई भी चीज़ आपको सूट नहीं कर रही, तो आपको उसको नहीं अप्लाई करना चाहिए, नहीं अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि चेहरे पर फिर आपको नुकसान कर जाएगी वो चीज़, और चेहरे से हमें कोई खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। तो आप एक बार पैच टेस्ट 10 से 12 घंटे पहले जरूर मेक श्योर आप कर लीजिएगा, उसके बाद ब्लीच अप्लाई कर पहले की सावधानी। अब ब्लीच करने के बाद की सावधानी क्या है, ब्लीच करने के बाद आपको कोई भी फेस वॉश, कोई भी क्रीम वगैरह नहीं लगानी चाहिए। 10 से 15 मिनट तक ब्लीच रखिए, उसके बाद सादे पानी से, ठंडे पानी से धुलिएगा। ठंडे पानी से धुलने के बाद आप अक्सर ब्लीच शाम को लगाइएगा, दिन में मत लगाइएगा, मेरा सजेशन यही रहेगा, क्योंकि ब्लीच लगाने के बाद धूप में नहीं जाना चाहिए, सनराइज के कनेक्ट में नहीं आना चाहिए, तो दिन में आप बिल्कुल भी इसको अप्लाई मत करिए। अगर दिन में अगर अप्लाई कर ही ले रहे हैं इमरजेंसी में, तो आप धूप में बिल्कुल मत जाइएगा। तो ये सजेस्ट रहेगा आप रात को लगाया करिए, शाम को लगाया करिए ब्लीच, जिससे कि आप रात को सो जाएं लगाने के बाद, और आप रात को भी मेकअप वगैरह नहीं करते हैं तो रात को ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, शाम को आप लगा लीजिए। और उसके बाद आपको कोई फेस वॉश यूज नहीं करना है, कुछ भी यूज, कोई क्रीम वगैरह कुछ भी यूज नहीं करना है 10 से 12 घंटा तक। उसके बाद आपको ऐसे ही लगे रहने देना है। अब थोड़ा सा अगर आपको इचिंग हो रही है तो आप ठंडे पानी से थोड़ा सा आइस क्यूब लेके मसाज कर सकते हैं, या कोई सा मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं, तो इतना मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं, अदरवाइज आपको कुछ इसमें लगा अपने चेहरे पर मत लगाइएगा। 10 से 12 घंटे के बाद शाम के वक्त ही लगाइएगा। तो ये थी ब्लीच लगाने से पहले और ब्लीच लगाने की सावधानियाँ जो हमें करनी चाहिए। और पार्लर में ब्लीच तो बहुत महंगे होते हैं, सब लोग कराते हैं, तो कोई ज़्यादा बहुत ही आसान है, बस थोड़ी सी सावधानियाँ हमें बरतनी चाहिए जो मैंने बता दी है आपको। और आप प्लीज़ ध्यान से सुना करिए और तभी अप्लाई करा करिए, और वीडियो को पूरा देखा करिए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, भूलिएगा नहीं। और जो भी हो, कोई भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, और अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो। तो चलिए मैं आगे की वीडियो स्टार्ट करती हूँ कि मैंने कैसे इसको लगाना है, इसकी क्वांटिटी कितनी रखनी है, और किस तरह इसको अप्लाई करना है, कहाँ नहीं अप्लाई करना है, ये मैं आगे के वीडियो में आपको बताऊंगी। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, एंजॉय करिए तब। तो मैंने अपने चेहरे को फेस वॉश कर लिया है और मैंने अपने अभी चेहरे पे अभी कुछ नहीं लगाया है, अब मैं जा रही हूँ इसको बनाने। तो सारा ये चीज़ें, ये स्पून दिया है इसे निकालने के लिए, और एक्टिवेटर है और स्प्रेला है, इसे हम लोग निकालेंगे ब्लीच। तो और ये है ब्लीच, तो चलिए इसको मैं अभी, ये मैंने सब कंटेनर एक ले लिया है बॉल, उसमें मैं कुछ ऐसा है डालूंगी, देखने में थोड़ा सा क्रीमी है, थोड़ा सा क्रीमी है। और जो इन्होंने स्पून दिया है तो इस सब का आपको यूज करना चाहिए। मैं क्या करूंगी, इस स्पून से ये क्रीम इसकी निकालूंगी ब्लीच, एक चम्मच देख सकते हैं, एक चम्मच अब हमारी स्किन के, हमारे चेहरे के लिए बस है। और ये जो छोटा स्पून दिया है ये इसके लिए दिया है, तो एक चम्मच मैं इसमें एक्टिवेटर निकालूंगी, इतना ही, ये रहा एक्टिवेटर। और मैं इसमें इसके लिए ही दिया है कि हमको उसकी क्वांटिटी जो है वो बराबर रखनी है, एक्टिवेटर ज़्यादा नहीं डालना है। तो इस बड़े वाले चम्मच से आप क्रीम निकालेंगे जो ब्लीच है, और इस छोटे वाले से एक्टिवेटर। तो ये देखिए छोटे वाले से मैं एक्टिवेटर डाल दी हूँ, अब मैं इसकी मदद से इसको मिक्स कर ले रही हूँ,
मिक्स अच्छे से करना है और ब्लीच और एक्टिवेटर मिक्स करने के बाद आपको तुरंत लगाना होता है, आपको इसको फिर रखना नहीं होगा, आप इसको रखिएगा नहीं, तुरंत अप्लाई कर लीजिएगा। फिर ये नहीं कि आप बना के और फिर रख लीजिए बाद में अप्लाई करिए, तो नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसको जब बनाए, जब आपको लगाना हो तभी आप इसको बनाया करें और मिक्स अच्छे से कर लीजिए। अब मैंने इसको मिक्स कर लिया है और मिक्स करके मैं तुरंत इसको अप्लाई करूंगी, और मैं शाम के टाइम अप्लाई कर रही हूँ, जिससे मैं लगाने के बाद मैं कर रही हूँ, मैं इसको लगाने के बाद धूप में नहीं जाऊंगी। और इसको ऐसे लगाइए, अपर डायरेक्शन में लगाइएगा, इस तरह मत लगाइएगा, आपको इस तरह लगाना है। और एक बात का आपको ख्याल रखना है इसमें कि आप अपने आईब्रो को आंख के एरिया में, आईब्रो पे और बाल यहाँ हेयर होते हैं यहाँ पे, आप हो सके तो आप लगा लीजिएगा हेयर बैंड, तो आप इसका जरूर ध्यान रखें, नहीं तो ये भी आपका गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाएगा फिर, तो आपके आई के एरिया में आप रखिएगा, आपको आई के एरिया में बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है। और एब्रो को आपको सब बचा के रखना है, क्योंकि एब्रो भी ब्राउन हो सकता है, गोल्डन ब्राउन, तो आपको एब्रो और आई के एरिया में तो बिल्कुल भी नहीं आपको अप्लाई करना है, तो आप अप्लाई बहुत ही सावधानी से करें। तो मैं अभी पूरे चेहरे पे अपने अच्छे से लगा लेती हूँ पहले। अब मैं इसको 10 से 15 मिनट तक रखूंगी, 10 से 15 मिनट के बाद मैं इसको ठंडे पानी से धुलूंगी, ठंडे पानी से धुल के फिर मैं आपसे मिलती हूँ 10 से 15। और मैंने देखी आई के एरिए में और आई के एरिए में, ब्रो के एरिए में मैंने बहुत बचा के किया। बाय सर आपको और एब्रो में लग भी जाता है, एब्रो के एरिए में, तो आपको ना इस तरह से निकाल लीजिएगा, नहीं तो फिर वो भी ब्राउन हो जाएगा आपका इस तरह से, या कपड़े से या फिंगर की मदद से आप इसको रिमूव कर लीजिएगा। और मैंने नेक पे भी लगा लिया आपने, तो अभी मैं सूखने के बाद मिलती हूँ आपसे 10 से 15 मिनट के बाद। क्या 10 से 15 मिनट तक मैंने रखा था, अब ये सूख चुका है और मैं इसको धुल ले रही हूँ सादे पानी से, धुल लिया सादे पानी से और बहुत ग्लो दिख रहा है, ये देखिए बहुत ग्लो था। जब का जो हेयर होते हैं, अनवांटेड हेयर रहते हैं, जो स्किन पे छोटे छोटे हेयर रहते हैं, वो गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाएंगे। ये कल सुबह तक मेरा जो मेरी स्किन नहीं है वो गोल्डन ब्राउन हो जाते हैं, तो कल ये मेरा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, तो तब पता चलेगा हाँ मेरे ब्लीच मेरे में अच्छे से वर्क किया है, अच्छे से लगा है, तो सुबह ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। इसी इचिंग हो रही है तो मैं मॉइस्चराइजर लगा लूंगी। मैंने बता दिया है कि ब्लीच कैसे लगाना है, क्या करना है, ब्लीच लगाने से पहले, ब्लीच लगाने के बाद क्या क्या करना है आपने देख ही लिया होगा। तो इस तरह से आप क्यों आपका चेहरा ग्लो करने लगता है, क्योंकि हमारे जो अनवांटेड हेयर रहते हैं स्किन में, जो दिखते नहीं है, बहुत ही छोटे छोटे रहते हैं, उसको वो ब्लीच गोल्डन ब्राउन कर देता है, अपनी स्किन से मिला देता है उस हेयर को। इसके लिए ब्लीच लगाने से थोड़ा सा निखार रहते हैं, जो फेस वाले रहते हैं उसको वो गोल्डन ब्राउन कर देता है और उसको हाइड कर देता है, तो इसके लिए हमारे चेहरे पे ग्लो आ जाता है। और ब्लीच कभी भी आपको हमेशा नहीं लगाना चाहिए, ब्लीच का कम से कम आपको 15 से 20 दिन का गैप देना चाहिए, बार बार ब्लीच अप्लाई नहीं करना चाहिए। अगर आपको हो सके तो महीने में एक बार ही अप्लाई करें, मतलब ऐसे मत अप्लाई करा करें। और ज़्यादा इमरजेंसी आपको है, अगर आपको कहीं जाना है, कुछ अटेंड करना है, शादी वगैरह, तो आप 20 कम से कम आपको पता लगना चाहिए कि 20 दिन का उसमें गैप होना चाहिए, 20 दिन के बाद ही आप ब्लीच अप्लाई ब्लीच लगाइए,
और मस्ट रहेगा, बेस्ट रहेगा कि आप एक महीने का गैप देके ही लगाइए, एक इस मंथ लगाइए और नेक्स्ट मंथ लगाइएगा। तो आप प्लीज़ इसको हफ्ते में दो हफ्ते में मत लगाइएगा, 15-20 दिन के बाद ही ब्लीच अप्लाई करा जाता है। तो ये था ब्लीच लगाने की बात की सावधानियाँ, ब्लीच लगाने के पहले की सावधानियाँ। आई हो आपको सारा समझ में आ गया होगा, अगर कुछ नहीं आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, हैप्पी रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक।